प्रश्नावली 5.3 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। दर्शाइए कि A1, A2 ऐसे ही डैश डैश AN मीन्स एक सीरीज है, AP है, जिसके पद किस टाइप से हैं, A1, A2, A3, AN। इससे मिलके एक AP बनती है जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा है स्टार्टिंग में। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, देखो AN को परिभाषित करने के लिए एक टर्म दी हुई है कि AN बराबर क्या है, 3 + 4N, ये हमको दिया हुआ है। कि AN किस तरह से डिफाइन है, कि AN क्या है, इसकी nth टर्म मीन्स जो nth टर्म है वो इस तरह से डिफाइन है। अब की बार हमको ना सीरीज दी है, ना प्रथम पद दिया है, ना सार्वंतर दिया है और ना AN दिया है। AN भी दिया है तो किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। अब पूछा है कि ये इस तरह से एक श्रेणी बनती है, तो वो श्रेणी हमको बनानी है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये nth टर्म को डिफाइन किया हुआ है। AP किस तरह से होती है, कि कोई AP है, वो AP होगी A1, A2, A3, ऐसे ही इसकी कोई nth टर्म है AN, ठीक है, उसके आगे चल सकती है ये। तो इस तरह से इसकी जो टर्म्स है वो डिफाइन की हुई है। अब यहाँ हम देखें कि ये AN में क्या मतलब होता है, कि N की जगह जब एक रखेंगे तो वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1, N की जगह दो रखते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगी, N की जगह तीन रखते हैं तो थर्ड टर्म आ जाएगी। मीन्स अब की बार हमको श्रेणी कहाँ से बनानी है, इस टर्म से। कैसे बनाएंगे, देखो पहले हम इसमें रखेंगे एक N का मान, एक N बराबर 1 रख देंगे। N बराबर 1 रखेंगे तो ये इसका पहला पद बन जाएगा AP का। देखो कैसे, 3 + 4, N की जगह एक रखेंगे तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और ये आ जाएगा 3 + ये 4 × 4 और ये फर्स्ट टर्म आ गई इसकी 7। मीन्स जो AP हमको बनानी है उसकी फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली है, कैसे, क्या, 7। कैसे निकालेंगे, कि जो ये AN का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें N बराबर रखते जाएंगे, कि N बराबर 1 रख लिया, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, कितने पद चाहिए, 15, क्योंकि हमको कितने पदों का योग पूछा है, 15 पदों का, तो ठीक है ऐसे ही रखते जाएंगे। तो A2 बराबर देखो 3 + 4 और ये N की जगह अब रख देंगे 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 + ये 4 × 8 तो 8 × 3 = 11। ये तीसरा, चौथा पद, तीसरा पद लिख सकते हैं इसी तरह से। तो तीसरा क्या होगा, 3 + 4 × 3 मीन्स जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ फर्स्ट टर्म चाहिए तो 1 रख देंगे, सेकंड चाहिए तो 2 रख देंगे, थर्ड चाहिए तो 3 रख देंगे। तो ये आ जाएगी 3 + 12 = 15। एक लास्ट टर्म और चाहिए, क्योंकि हमको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 का। तो एक नंबर और निकालेंगे हम, लास्ट टर्म नंबर 15। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ये 3 + 4 और यहाँ पे N की जगह रख देंगे 15। वैल्यू निकालेंगे देखो, तो 3 + ये 15 × 4 = 60 हो जाएगा, तो ये 60 × 3 = 63, ठीक है। तो AP बनी, अतः AP क्या बन गई हमारी, AP बनी, फर्स्ट टर्म आई इसकी 7, सेकंड आई 11, थर्ड आई 15 और ऐसे ही इसकी लास्ट टर्म आई 63, ठीक है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं अब कि पहला पद क्या है, 7, डी क्या है, डी यानी सार्वंतर, A2 - A1 ये 11 - 7 = ये बचे 4, किस कितने का अंतर चल रहा है, 4 का, तो डी की वैल्यू आ गई। एक AN भी हमने निकाल लिया, इसका लास्ट वाला पद, इसको 15 भी लिख सकते हैं, ये 15 नंबर वाला पद है, तो ये आ गया 63 और N का मान है 15। हमको क्या ज्ञात करना है इसके अलावा, हमको ज्ञात करना है S15, कि इस श्रेणी के 15 पदों का योग,
तो एस पंद्रह हम निकालेंगे, एस पंद्रह फॉर्मूला लगाएंगे वही एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। जब जब भी हमारे पास लास्ट टर्म होगी तब तब हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो वैल्यूज़ रखते हैं, पंद्रह, ये पंद्रह बटे, छोटा लिखेंगे इसको थोड़ा, पंद्रह बटे दो। फर्स्ट टर्म ए, ए का मान क्या आया था सात, और लास्ट टर्म क्या आई थी 63। तो ये आ गया, यहाँ पर रख देंगे मान, तो ये पंद्रह बटे दो, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 63 और 7 70। गुणा कर सकते हैं यहाँ से, इसको गुणा करेंगे देखो तो ये आ गया 15 7 105, और ये 0 का 0 और अपॉन 2। एस 15 भाग दे देंगे 2 का, तो ये 5, इसमें गया 2 बार, 1 बचा और इसमें गया 5 बार, तो ये वैल्यू आ गई एस 15 की। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे क्वेश्चन को। श्रेणी हमको क्वेश्चन में लिखा था कि एक एपी है जिसका पहला पद है ए वन, दूसरा है ए टू, थर्ड है ए थ्री, ऐसे ही एक इसका लास्ट टर्म है ए एन। ठीक है, उसने कहा है कि इस श्रेणी के, पहले तो हमको इसकी श्रेणी बनानी है, और श्रेणी बनाने के बाद में इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ए एन यानी कि nth टर्म हमको डिफाइन की हुई थी क्वेश्चन में कि ये nth टर्म का फॉर्मूला है। अब की बार nth टर्म डायरेक्ट नहीं लिखी हुई, nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ से हम n का मान 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n का मान 2 रखेंगे तो सेकंड मिल जाएगी, और जितनी चाहिए मींस लास्ट वाली कितनी चाहिए 15, तो एक बार 15 रख देंगे तो हमको लास्ट वाली भी मिल जाएगी। इसलिए हमने श्रेणी बना ली, 1 रखा 7 आ गया, 2 रखा 11 आ गया, 3 रखा 15 आ गया, और लास्ट पद भी हमको, जिससे हमको फार्मूला लगाने में आसान रहे, इसलिए हमने लास्ट टर्म भी निकाल ली इसकी, कितनी 63 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ए पी बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म है 7, 11 और 15 और लास्ट टर्म इसकी 63। ठीक है, मान रख लेंगे यहाँ से कि प्रथम पद क्या है 7, सार्वंतर क्या आ गया 4, ए 15 यानी कि लास्ट टर्म हमने निकाली थी क्या आ गई 63, और एन का मान है 15, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही पूछा है कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का, क्योंकि मेन तो इस वाली प्रश्नावली में हमको एस एन ही ज्ञात करना है, लेकिन एक कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं ए एन वाला, इस वजह से क्या है कि हमको वो कंसेप्ट भी यहाँ यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़े क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्ज़ाम में उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5.3 के। 2 फॉर्मूले हैं गिनती के पूरी प्रश्नावली में, और 5.3 में ऐसा है कि फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज़ आएगा और सेकेंड वाला भी यूज़ आएगा, तो इसलिए वो पूरा जो भी प्रश्नावली का हमारा कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा इस वाले क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है, तो इस वजह से भी ये वाले क्वेश्चंस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कंसेप्ट ध्यान रखना है हमको, अप्लाई कैसे करना है, तो इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लेंगे इसको। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और है इसका सेकेंड वाला, तो सेम टू सेम कंसेप्ट उसमें भी यूज़ करना है, तो इसको नोट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। उसमें ए एन डिफाइन किया हुआ था, अभी जस्ट पहले हमने किया है क्वेश्चन, उसमें हमको ए एन डिफाइन किया हुआ था। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, और एन पदों के योग को किससे लिखते हैं हम, एस एन से, कि प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है। ठीक है, लिख दिया हमने कि एस एन क्या है, 4n-n². उसने पूछा है कि इसका प्रथम पद, लिखते जाएंगे साथ के साथ, क्या है, प्रथम
पद, और उसी के साथ में उसने लिखा है इसको ब्रैकेट में एस वन। देखो इसको समझने का क्या कंसेप्ट है, एपी क्या होती है, एपी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह से एपी होती है। अब इसमें एस वन यानी कि एक पद का योग, तो एक पद का योग तो ए वन ही होगा फर्स्ट, तो एक पद का योग कहें या प्रथम पद कहें तो इसको ए भी लिख सकते हैं और एस वन, क्योंकि एक पद के योग में तो सिर्फ क्या आएगा पहला वाला पद, तो इसका प्रथम पद क्या होगा ये हमसे पूछा है, निकाल लेंगे वो हम। और क्या पूछा है, देखो प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग का मतलब है एस टू, यानी कि एस टू मतलब स्टार्टिंग के दो पदों का योग, ए वन प्लस एस टू का क्या मतलब है, ए वन प्लस ए टू दो पदों का योग, ठीक है ये कंसेप्ट हम इससे समझते जा रहे हैं जो जो हमसे पूछा है। उसके बाद उसमें पूछा है दूसरा पद क्या है, मीन्स एक हम एस टू निकालेंगे, एस टू निकालने के बाद में हमसे ए टू पूछा है कि दूसरा पद यानी ए टू ये क्या है, ये हमको निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे दसवें और एनवें पद ज्ञात कीजिए, मीन्स तीसरा कौन सा ए थ्री और फिर कौन सा दसवां और फिर कौन सा लास्ट में एनवा, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो सीरीज है जो हमको डिफरेंट, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझेंगे पहले क्वेश्चन को कि एन पदों का योग इस वाले फॉर्मूले से हमको डिफाइन किया हुआ है। अब हमने श्रेणी को साथ में लिखा हुआ है जिससे जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। प्रथम पद S1 जो कि क्या होगा पहले पद के बराबर ही वो ज्ञात करना है, फिर दो पदों का योग यानी कि जैसे हमने N में मान रख के निकाले थे, यहाँ पे एक रखेंगे तो एक पद का योग आ जाएगा, दो रखेंगे तो दो पदों का योग आ जाएगा, तीन रखेंगे तो तीन पदों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंसेप्ट को यूज़ करना है, कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट प्रथम पद, प्रथम पद यानी एस वन, फॉर्मूला किसका है हमारे पास एस एन का, मीन्स एन की जगह हमको क्या अप्लाई करना है वन, तो लिखेंगे देखो इसको, और प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं ए से, इसलिए हमने यहाँ इसको ए या ए एन भी लिख सकते हैं क्योंकि श्रेणी में इसको ए वन लिखा है। तो देखो मान रखेंगे चार, एन की जगह हमको लिखना है एक, ऐसे ही एन स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा चार गुणा एक चार, और एक का स्क्वायर एक होता है तो ये आ गया तीन, ठीक। एस टू, एस टू मतलब प्रथम दो पदों का योग, ये क्या होगा ए वन प्लस ए टू, प्रथम दो पदों का योग ए वन प्लस ए टू, ये कैसे निकलेगा, अब हम एन की जगह क्या रख देंगे दो, तो देखो तो यह आएगा चार गुणा दो माइनस दो का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे अब इसको, तो ये हो गया आठ, दो का स्क्वायर चार होता है तो ये आ गया चार, ठीक। श्रेणी का पहला पद है तीन, यानी कि पहले पद, पहला पद भी और पहले पद का योग एक ही बात है, तो वो तो है तीन। दो पदों का योग यानी कि पहले और दूसरे पद का योग क्या है चार है, ठीक। इसके साथ क्या पूछा है, सेकंड वाला पद, दूसरे नंबर वाला पद, ये ए वन है और ये ए वन प्लस ए टू है, देखो हम ए टू को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एस टू माइनस एस वन लिख दें, एस टू माइनस एस वन यानी कि दो पदों का योग, इन दोनों के जोड़ में से इसको घटा दें, इन दोनों का जोड़ ए वन प्लस ए टू, इन दोनों के योग में से हम ए वन को माइनस कर देंगे यानी कि पहले वाले को, तो बचेगा क्या ए टू। यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए वन प्लस ए टू है किसका मान, एस टू का, ए वन प्लस ए टू, अगर इसमें से हम S1 माइनस कर दें यानी कि A1 माइनस कर दें तो ये A1 से A1 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या A2,
तो यहाँ से हम S2 में से S1 माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, A2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, S2 की वैल्यू क्या है, 4, प्रथम दो पदों का योग और प्रथम पद का योग, यानी कि प्रथम पद क्या है, 3, तो ये आ गया 1। ये किसका मान आया, A2 का, किसका मान आया, A2 का। वापस से समझेंगे इस कंसेप्ट को, हमको सेकंड वाला पद भी चाहिए और हमारे पास है क्या, पदों का योग, पहले पद का योग या पहला पद पता है, फिर इन दोनों का जोड़ पता है, तो इन दोनों के जोड़ में से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा। ऐसे ही हमको पूछा है कि कौन सा पद निकालना है, तीसरा, यानी कि क्या, A3। A3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से पहले S3 निकालना पड़ेगा, तो पहले हम S3 निकालते हैं। S3 कहाँ से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में मान रख के, तो ये फॉर्मूला है 4 × 3 − 3² n की जगह हमने क्या रख दिया, 3, यानी कि अब की बार हम इन तीन पदों का योग ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, a1 + a2 + a3, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये 4 × 3 = 12 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 12 में से 9 गए तो ये बचे 3, ठीक है। तो इन तीनों पदों का योग क्या है, 3 है, a1 + a2 + a3, तीन पदों का योग है 3, और स्टार्टिंग के दो पदों का योग क्या है, 4, तो इससे हम निकाल सकते हैं a3। a3 कैसे निकलेगा, s3 − s2, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से हमने क्या निकाला था, a2, a2 कैसे आया था, s2 − s1, यानी कि दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा देंगे तो ये वाला पद। ऐसे ही तीसरा कैसे मिलेगा, s3 में से s2 घटा देंगे, यानी कि a1 + a2 + a3 में से हम इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा क्या, a3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 − s2 क्या आया, 4, तो ये आ गया −1, ठीक है। तो किसकी वैल्यू, a1 की वैल्यू, फिर किसकी वैल्यू, a2 की, और फिर किसकी वैल्यू, a3 की। तो इससे हम श्रेणी बना सकते हैं हमारी, देखो क्या लिखेंगे, तो अब AP बना सकते हैं हम। AP क्या बनी, फर्स्ट टर्म A1, A1 है 3, A2 आया था हमारे पास 1, यानी कि 3 के बाद 1, A3 क्या आया, −1, तो ये श्रेणी चल गई इस तरह से। इस श्रेणी में से हमको पता है A1, ये 3, सार्वंतर 1 − 3, देखो इसको देख के, ये श्रेणी घटते क्रम में है, कितनी कितनी घट रही हैं संख्याएं, 2, 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद a = 3 है और सार्वंतर है 1 − 3 = −2। अब दो चीज़ें और चाहिए हमको जो पूछी हैं इसमें, एक तो इसका दसवां पद यानी कि a10, तो a10 निकाल देंगे, फॉर्मूला जानते हैं हम, a + n − 1 × d होता है, तो a + n − 1 × d मान रख देंगे इसमें, मान रखेंगे, तो a का मान है 3, n का मान है 10 − 1 और d का मान है −2, ठीक है। वैल्यूज़ रखेंगे और आगे, तो ये 3 और 9 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 2 से, तो ये आ जाएंगे, ये 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 को −2 से गुणा करेंगे तो −18, ठीक है, तो ये आ गया −15। तो किसका मान, a10 का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a10 = −15, तो ये वैल्यूज़ आ गई। एक और बचा है हमारे पास, क्या एक पूछिए हमसे इसकी n वाली टर्म, कि इसका पहला पद जो ये आ गया, दूसरा पद ये आ गया, तीसरा पद कहाँ, तीसरा पद ये लिखा, ये आ गया, और दसवां पद ये आ गया, और एक पूछा है हमसे इसका nवां पद। तो nवां पद देखो वापस से देख लेंगे एक बार, ये डिफाइन था, AP बनी हमारी 3, 1, −1 एंड सो ऑन, और प्रथम पद आ गया 3, सार्वंतर आ गया
माइनस टू, दसवां नंबर वाला पद तो हमने निकाल लिया, क्या निकालना है ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी मान रख देंगे इसमें। तो ये ए का मान है तीन, एन का मान है नहीं हमारे पास, एनवे नंबर वाला ही पद चाहिए, और डी का मान है माइनस दो, वैल्यूज़ रख देंगे इनकी। तो ए एन बराबर आया तीन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस दो को एन से तो ये हो गए माइनस के दो एन, माइनस दो को माइनस वन से तो ये हो गया प्लस का टू। तो यहाँ से ए एन डिफाइन हुआ, ये थ्री और टू फाइव माइनस टू एन, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर, ये माइनस टू को एन से तो ये माइनस के टू एन, माइनस के टू को माइनस के वन से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू इंटू वन वन, ठीक है। ये थ्री और टू ऐड होके प्लस, और ये माइनस का टू एन, तो ये ए एन डिफाइन हो गई किससे, ए एन बराबर फाइव माइनस टू एन। तो सारी चीज़ें आ गई, फर्स्ट में हमने निकाला था इसका पहला पद, फिर निकाला था दूसरा, फिर निकाला तीसरा, फिर दसवां, और फिर एनवा। तो पांच चीज़ें पूछी थी हमको इस क्वेश्चन के अंदर, और एक एस वन और एस टू भी हमने निकाले हैं, एस वन और एस टू। तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ किस से निकाली है हमने, इससे, एस एन बराबर फोर एन माइनस एन स्क्वायर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये नोट कर लेंगे इसको।